हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को। और एक बार मेरे चैनल पे बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आई हूँ। इसका कारण भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी। पहले चलते हैं मासी के घर। 100 बार किक मारने के बाद एक बार चालू हुआ। चलो 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 चलो, भागो भागो, भगवान जी चले जाएंगे। चलो भागो जल्दी। तो मेरी वीडियो नहीं अपलोड होने की ये भी रोड पे आप देख सकते हैं, इस ये भी कारण है। एक्चुअल में हमारे इधर बहुत बारिश हो रही थी 3-4 दिन लगातार, तो उसकी वजह से नेटवर्क इतना खराब हो गया था ना, इतना खराब हो गया था, कोई भी अपलोड नहीं हो रहा था। परिवर्तन जीवन धर्म, परिवर्तन तो है। और बारिश की वजह से ना विसर्जन इतना दिन पीछे हो गया था, तो आज है सैटरडे, आज होगा विसर्जन। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बोरुन यहाँ पर मासी जो है वो शुरू कर दिया है मासी ने, तो बोरुन करने के बाद ही विसर्जन के लिए प्रतिमा जो है वो लेकर जाएंगे। लेकिन देखते हैं कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हर जगह पानी पूरा भरा पड़ा है। हम लोग इसको भोटभोटी गाड़ी बोलते हैं, है ना मोम? हम लोग मतलब बहुत दिनों बाद ये गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, बहुत दिनों बाद। माँ को विसर्जन दे के आ गए, देखिए पूरा खाली हो गया ना सारा। यहाँ पर दिया जला दिया है, सब हो गया सुना करके, जैसे बेटी विदा नहीं होती है उसके बाद जैसे सुना सुना लगता है वैसे ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विश मोना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरी ननद दे रही है पार्टी, इसलिए हम लोग आप देख के समझ गए होंगे, उस दिन भी ब्लॉग में देखा था। और एक पत्नी इधर खड़ी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी कितना बजा है पता है आपको? 12:10-15 बाकी है, इसलिए 12:20 ऑलरेडी हो चुका। तुमने गुड मॉर्निंग क्यों कहा? सॉरी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, ठीक है। गुड आफ्टरनून भी नहीं, सॉरी, गुड नून। गुड नून, गुड नून। नमक डाल दो। जस्ट ये इनवाइट किया है, मैं कल रात को आई थी, रात को नहीं कल दोपहर को आई थी, मैं बहुत सारा जो काम है, मैं 5 बजे, इसका दोपहर 5 बजे होता है, कोई बात कंप्लीट करने नहीं देगी ये लड़की, इसने पूरा ठान लिया है। सारा काम जो है मैंने किया है कल 5 बजे से आके, उसका जो आज मतलब पार्टी मेरे मैडम दे रही है, मतलब मेरे ननद जो है आज का पार्टी जो है मेरे ननद प्रोवाइड कर रही है। और कल विसर्जन जो है वो हो गया है ऑलरेडी। और क्या बन रही है आज बता दो मेनू? चिकन बिरयानी। और कल मैंने सब कुछ किया है, ये बस बैठी हुई थी। आज जो खाना बनाना हो रहा है, आज ये साग मुझे घूम रहा है, मैं सजी हूँ, देखिए ये भी ये इसका ही है, घूम रहा है, ये भी इसका ही है। मैं कैसे लग रही हूँ? कैसे दिखाऊँ आपको? अच्छा अच्छा, ये देखिए ये गाउन मैंने पहना है, ये भी मेरी ननद का है, उसने बस मैंने बोला है कि अच्छा लग रहा है, तो अटक क्यों गया? तो मैंने बोला मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने बोला कि मैं ये मेरा हो गया, तो उसने बोला हाँ, कितना खुले दिलदार है, देखिए ऐसे ननद हो तो मतलब जिंदगी मतलब स्मूथली चलने लगे, मक्खन की तरह। मैंने बोला मैं मेरे ऊपर कोई चीज अच्छा लग रहा है, तो उसने दे दिया, बोला ये तुम रख लो, तो ये तारीफ हुआ, कितना अच्छा है, इतना सुंदर भाभी है, इतना प्यारी सी है, तो थोड़ा थोड़ा तो बनता है
ना गाँव कचर जो हो रहा है ना, ये अंदर बच्चे हैं तो वो लोग कर रहे हैं। मैंने बोला बाहर आके करती हूँ, लेकिन वो सुनाई सुनाई इधर तक भी दे रही है। तो चलिए, हम लोग बाहर हो रही है बारिश और हम लोग बना रहे हैं बिरयानी आज। और मेरे ननद बहुत अच्छे से बिरयानी बनाती है, मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन सब माँ तारीफ करती है, लड़की की तो तारीफ करती है, बहू की तारीफ तो करेगी नहीं। कल मैंने थोड़ा सा चिकन बना लिया, बोले बहुत गंदा बना है ये वो ये। आप बताइएगा, मैं चिकन अच्छा दिखाती हूँ ना आपको, बहुत अच्छा टेस्ट थोड़ी ना करते है, आप बना के देखते हैं ना। देखने में तो कल भी अच्छा लग रहा था चिकन, बहुत ही सुंदर बहुत ही कलरफुल लग रहा था, लेकिन खाने में एकदम घटिया। आप प्याज को किए बड़ा खराबी है, हमारा जो प्याज है वो जल रहा है। ठीक है, हम जाते हैं और बिरयानी बनाते हैं। इन लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, देखिए मेरा गला आ भी नहीं रहा है, इतना जोर चीख रहे हैं बच्चे। हाय तो बोल दो, ये कौन सा है, बड़े बच्चे? अंकल के बच्चे, अंकल के बाप बच्चे हैं, अंकल के बच्चे। तो ये इनका ही शोर दिख सुनाई दे रहा था आपको। कौन सा खेल हो रहा है ये, कौन सा खेल? बड़े को बता ही नहीं है, देखिए सच्चे। मार्च, जून, जुलाई, সবাই বসে আছে, আমাকে রান্না করাচ্ছে, দেখে দিচ্ছি তোমাদের। তুই শুধু তুই লেয়ারটা লাগাবি শুধু, দেখে ক্যামেরা দেখে ও সব বস ও সাজা কে লাগাইগি, সব কুছ মে কর রহি। तो हमारा प्याज जो है आधा बिरिस्ता जो है वो बन गया है। तो बिरिस्ता हम लोग बना रहे थे, तो मासी सोची थी कि प्याज थोड़ा सा जल गया है। एक्चुअल में बिरिस्ता में आपको पता है थोड़ा सा ब्राउन करके प्याज को फ्राई करना पड़ता है, तो मासी इसलिए चिल्ला रही थी कि प्याज आज भी, मतलब कल मैं थोड़ा सा चिकन बनाई थी कि मासी के घर, तो वो ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो कल विसर्जन तो हो गया था, तो हमारे इधर रूल्स है कि विसर्जन के बाद नॉनवेज खा सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा 8-10 दिन से मासी के घर में वेज ही बन रहा था। तो उतना दिन बाद कल मैंने थोड़ा सा रात को चिकन बनाया था जो उतना अच्छा नहीं बना था, मैं भी अभी बोल रही हूँ। तो जिस दिन अच्छा नहीं बनता है ना, मतलब कभी कभी हो जाता है, कितना भी आप उसमें जितना भी मेहनत दे दो कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा अनबन बन जाता है। लेकिन ये रात का चिकन मैरिनेट किया था जो बिरयानी के लिए आज बनेगा, 4.5 किलो यहाँ पर चिकन है, उसको रात को मौनी मैरिनेट किया है, दही, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला और केवड़ा जल, गुलाब जल, सब कुछ देके ना मैरिनेट करके हमने सारा रात इसको रख दिया था, इसलिए इतना ज़्यादा उसमें से पानी निकला है ना, देखिए एक हांडी भर के पानी निकला है। और अभी मैं दीदी को भी दिखाती हूँ, हम लोग नहीं कर पा रहे थे तो दीदी को हमने बुला लिया, ये मेरी ननद है तो आपको तो पता ही है। तो दीदी ना सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है मेरी ननद, और दीदी बोल रही थी, दीदी ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया था कि चिकन को आधा कर लेते हैं, उसके बाद दोनों जगह पकाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो चिकन है हमारा जल्दी बन गया था, नहीं तो बहुत दिक्कत होती, इतना ज़्यादा इसमें से पानी निकला था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो दीदी आके बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, तो चिकन हमारा बन चुका था। फिर भी हमारी जो बिरयानी है वो बनते बनते तीन साढ़े तीन बज गया था ऑलरेडी। काटो अच्छे से, काटो बच्चे, काटो काटो सजाओ, काटो, गोल नहीं हो रहा है, गोल नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही है, ये हिलता है बहुत ज्यादा, কিছু পড়বে না, তুই ভিডিও চলে হচ্ছে কিন্তু তুই এটা এরকম একে দেখাস না। হ্যাঁ এই তো দিল, ये मतलब स्क्रू पूरा ढीला है, पता है सबको। मैं पूरा मैं तो ऊंचे रखे बोले थे, हमें पूरा बोल रहे सब कुछ मत दिखाओ उसका, ये टेबल जो है वो हिल रहा है, ढक 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 ढक, ये जो है नाइफ इसमें धार नहीं है, ये भी है,
जरूरी चीज एक भी इसके पास सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। जरूरी जो चीज होता है एक भी सही नहीं मिलेगा। खोला चाहिए, छिलका उतारने से कुछ नहीं होता है उसमें, काम तो उसने किया है ना, देखिए कितना अच्छे से किया है दीपू ने। हाँ अब पता चल रहा है ना, बस ये जो है दीपू ही तो नाइफ, बस ये इतना, ये जो नाइफ है ना इससे काम, जो जे जिसने काम किया है वो बोलेगा कितना अच्छा नाइफ है, बताओ। इतना शार्प है। चिकन हमारा जो है वो हो चुका है, दोनों टाइप मैंने तो दोनों साइड में ही हुआ चिकन, एक तो कढ़ाई पे बना है और एक हांडी में बना है, मतलब दीदी ने अलग अलग करके दोनों पे किया है तो जल्दी हो गया है। और यहाँ पर बिरयानी की जो चावल की जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है, चावल पकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिरयानी की, और अभी शायद 12:30 बजने वाला है। अभी सोचिए हमारी जो चावल है वो भी पका नहीं है, पता नहीं कब खिलाएगी मऊ, कब क्या करेगी, अब सोच सकते दीदी आई थी इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया था, अगर दीदी नहीं रहती ना तो मऊ और हम कब लोगों को खिलाते ये भगवान को ही पता है। अल्टीमेटली हमारी बिरयानी जो है वो दम पे लगाने के लिए रेडी हो चुका है, दीदी ने दोनों हांडी में बिठा दिया है क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, उसके बाद बड़ा वाला हांडी में थोड़ा सा दम लगाने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए एक छोटा वाला हांडी एक मीडियम वाला हांडी में दीदी ने दम पे लगा दिया है, तो ये दोनों गैस पे आराम से बन जाएगा तो जल्दी बच्चे को खिला सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टाइम जो है ना ओवर चल रहा है। और यहाँ पर दीपू, रिशु, मेरी बेटी और जीजाजी सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। देखी दीपू कतटा खाच्छे एकटु देखी तुली। जल देबो বসেছে খেয়ে খাওয়াতে সালাবু। হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় ক্লাস তো এখন নেই, মাংস। बच्चों का खाना हो गया है, अभी माँ, मासी और वो शोभिता मासी, मतलब मम्मी जहाँ जॉब, मेरी सासू माँ पहले जॉब करती थी तो वहाँ पर ही ये सब मासी लोग सभी एक साथ ही इकट्ठा ही जॉब करते थे, तो सभी फ्रेंड एक साथ बैठी हुई है। और अभी बचे हैं दीदी, मैं और मो, ये तीन अभी लास्ट बैच चलेगा। थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाएंगे तो हमारे पेट में जो चूहा दौड़ रहा है थोड़ा सा शांत हो जाए जल्दी जल्दी, लेकिन ये सब अभी फ्रेंड है ना तो सब दुनिया भर की जितनी भी बातें हैं सब हो रहा है एक साथ। और एक बात तो सही है कि आपका जो फेवरेट है ना, अगर वो चीज़ बना है तो आपको भूख भी जितनी भी जल्दी लगना था उससे भी कई गुना जल्दी लगती है। और यहाँ पर भूख से मो पीछे घूम के यहाँ पर खड़ी है भूख की वजह से। বাবু না জানে না জানে না बारी छोड़िए, देखिए कितना तेज हमारा खाना जो है वो हो गया है। अब हो रही है बाहर बारिश, कोई नहीं जा पा रहा है इसलिए ना तेज बारिश। और यही बारिश की वजह से ना इतना दिन लेट हुआ था विसर्जन करने में, वो भी एक दिन सूखा था फिर आज से चालू हो गया है बारिश फिर से।
আর কিছু রেডি গেট সেট জাম্প হ্যাঁ হ্যাঁ জাম্প 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 হাড়গোড় ভেঙে যাবে জাম্প জাম্প শট আবার মোটা হাতি মোটা হাতি বলছে দিশু তোকে ইউ আর গণেশ মোটা হাতি রে আলু মোটা ভালো গণেশ গণেশজি কাল পূজা কিসনে কিসনে কিয়া গণেশ কো মেনে গণেশ কো পূজা কিসনে কিয়া তুমি তো গণেশ হো তুম বল রে হো মই গণেশ হু আলু মোটা ভালো হ্যাঁ ভাইয়া আর মেনে কিয়া किसने की पूजा किया मैंने भैया ने तुम्हारा पूजा किसने किया मेरे अभी तो किया। क्यों ये गणेश का तरह भरू नहीं है भोरी ये नहीं 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 ये 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 भैया तो हम लोग फर्स्ट प्राइज कौन कुछ नहीं किसने फर्स्ट प्राइज जीता था हम दोनों ने शांत शांत होके बैठने का ये किसने प्राइज जीता था ये और मैंने ऋषभ ने प्राइज जीता था इसके लिए हम लोग रिटायर हो गए इसलिए हम नहीं करते शांत बैठो ना मैंने जिसे ढेचू कर सकता है दीपू दीपू के बारे ढेचू करो के दिखाओ दीपू नहीं आता बंदर एक बंदर खुजली हो रहा है खुजली हो रहा है गर्मी में खुजली आ रहा है बारिश ने पूरा माहौल ठंडा कर दिया देखिए सभी सो गए दीदी यहाँ पर है दीदी सोई नहीं है माँ मासी सब तीनों एक साथ सो गए हैं और बारिश देख रहे हैं बार बार कम हुआ तो सब निकलेंगे यहाँ धीरे धीरे तो आज का दिन बहुत अच्छा काटा है सब मिलके एक साथ इकट्ठा अभी 10-15 मिनट हो गया है दीदी भी आई थी साथ में तो दीदी निकल गई है क्योंकि मम्मी और दीदी कल जाएगी हॉस्पिटल मतलब हमारे कॉमेंट हॉस्पिटल जाएंगी बहुत तीन मतलब 5-6 महीना बाद अभी जस्ट जा रहे हैं अभी और अभी सोच रही हूँ बेटी कुछ भी नहीं पढ़ाई हो रही है बेटी की कुछ भी नहीं और वहाँ पर जो ट्यूशन है मतलब मैम जो पढ़ाती है वो ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया है मैम ने तो मैम कल फ़ोन किया था तो मैंने सोचा कि चली जाऊँ और उसका स्कूल का जो काम है ना वो थोड़ा सा पेंडिंग है तो एक दो फॉर्म है जो स्कूल से लेना है वो भी लेना ज़रूरी है तो मैं सोच रही हूँ कि दिल्ली जाने का सोच रही हूँ बस नेक्स्ट मंथ देखती हूँ कब का क्या लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बाद मैं चली जाऊँगी सोच रही हूँ अभी तक दो दिन बाद जा रहा है ब्लॉग तो कैसा लगा ब्लॉग वो भी बताइएगा ज़रूर और आज का ननद का पार्टी कैसा लगा वो भी बताइएगा आपको अच्छा लगता है तो इसलिए मैं और मो दोनों मिलकर एक ब्लॉग बनाया है तो आशा करूँगी आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा और हमारा पार्टी कैसा लगा ये भी बताइएगा जरूर तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।